उमर रियाज के एविक्शन से अब घर वालों के मन में भी डर हो गया है। आखिरकार बिग बॉस सीजन 15 के बाकी कंटेस्टेंट्स उमर रियाज के एविक्शन को लेकर क्या कुछ बातचीत करते नजर आए हैं, क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी खबर, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपको बता दूं बिग बॉस सीजन 15 के घर में जब से उमर रियाज का एविक्शन हुआ है तब से ही सभी कंटेस्टेंट्स इस बात से शॉक है कि उमर रियाज जैसे कंटेस्टेंट जो कि फाइनलिस्ट बनने वाला था वो इस तरह से घर से बेघर किया गया है। वेल, आपको बता दूं इसी बीच जब प्रतीक सहजपाल और निशांत भट्ट के बीच में बातचीत हो रही थी कि ज्यादा हवा में मत उड़, इट मींस कि दोनों को बैच मिल चुका है, दोनों फिनाले में पहुंच चुके हैं, तभी बातचीत के दौरान ये बात हुई कि ज़्यादा हवा में मत उड़ना। जी हाँ, राखी सावंत ने इन दोनों को ये चेतावनी दी और राखी सावंत ने इवन ये भी कहा कि देख, ये तो फिनाले में जाने वाला था, एक ज़बरदस्त कंटेस्टेंट था और ऑडियंस तो इसे वोट फेल कर ही नहीं सकती है। तो जब ऐसा कंटेस्टेंट बिग बॉस सीजन 15 के घर से निकाला जा सकता है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम लोग अपने अग्रेशन पर कंट्रोल कर लो। अगर बिग बॉस एक बात को एक बार समझा दे तो उसको वहीं पर समझ जाओ, 10 बार मौका मत दो बिग बॉस को समझाने का, नहीं तो 10 बार मौका बिग बॉस देते नहीं हैं, डायरेक्ट घर से बेघर करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब घर वालों के मन में भी ये डर पैदा हो चुका है कि बिग बॉस हमारी किसी भी गलती को नज़रअंदाज नहीं करके डायरेक्ट घर से बेघर तक कर सकते हैं। वेल, आपको क्या लगता है बिग बॉस के इस डिसीजंस के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट और बिग बॉस से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।